हेलो एवरीवन, रॉक इंजीनियरिंग में हमने इंजीनियरिंग क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स एंड देन इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज एंड देयर लेबोरेटरी टेस्ट के बारे में पढ़ लिया था। अगली यूनिट है हमारी जिसमें हम पढ़ेंगे इंसिटू टेस्ट ऑन रॉक्स एंड देन आफ्टर जॉइंटेड रॉक्स की प्रॉपर्टीज और वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है और इसे कैसे फाइंड आउट करते हैं, उनके बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है फिल टेस्ट इन रॉक्स और इंसिटू टेस्ट इन रॉक्स। इन सीटू टेस्ट इन रॉक, हमें इस सिलेबस में तीन चीज़ें पढ़नी है। फर्स्ट है नेसेसिटी ऑफ फील्ड टेस्ट, सेकंड है हमें डायरेक्ट शेयर टेस्ट पढ़ना है और फील्ड शेयर टेस्ट, राइट। और तीसरी चीज पढ़नी है प्लेट लोड टेस्ट, प्लेट लोड टेस्ट फॉर डिफॉर्मेबिलिटी, राइट। इन चीजों को हम फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट पार्ट, थर्ड यूनिट के या फिर हम थर्ड यूनिट के फर्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। फर्स्ट है नेसेसिटी ऑफ फील्ड टेस्ट क्यों है, हम टेस्ट परफॉर्म क्यों करते हैं। किसी भी इंजीनियरिंग में टेस्ट परफॉर्म करते हैं उसके इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज को फाइंड आउट करने के लिए या फिर उसकी इंजीनियरिंग बिहेवियर को फाइंड आउट करने के लिए, राइट। तो इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज जो थी वो कैसी थी, दो थी, एक थी फिजिकल प्रॉपर्टीज और एक थी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में जैसे हमने उसकी पोरोसिटी हो गई, डेंसिटी हो गई, राइट, डिग्री ऑफ सेचुरेशन हो गया, मॉइस्चर कंटेंट हो गया, इन प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था, राइट। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ हो गई, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो गई, शियर स्ट्रेंथ हो गई, राइट। उसका वाइब्रेशन में बिहेवियर कैसा है, उसका लोड के करस्पॉन्डिंग कितना डिफॉर्मेशंस होते हैं, इन सारी प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस कर चुके थे और इनके ऊपर लेबोरेटरी टेस्ट जो भी रिक्वायर्ड थे हमने परफॉर्म किए थे। जैसे टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए हमने ब्राजीलियन टेस्ट पढ़ा था, राइट। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए हमने UCS टेस्ट किया था, पढ़ा था, राइट। एंड देन शेयर स्ट्रेंथ के लिए हमने डायरेक्ट शेयर टेस्ट एंड ट्राइएक्सियल टेस्ट के बारे में पढ़ा था। फिल टेस्ट हम क्यों परफॉर्म करते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। फिल टेस्ट में भी हम इन्हीं पैरामीटर्स को फाइंड आउट करेंगे, उसके टेंसाइल स्ट्रेंथ को, उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को, उसमें डिफॉर्मेशंस कितने थे, राइट, इंटरनल स्ट्रेसेस शेयर जोन के अलावा कितने थे, राइट। इन सब चीज़ों को हम फिल टेस्ट में भी फाइंड आउट करते हैं। फिर हम लेबोरेटरी टेस्ट की जगह फिल टेस्ट को क्यों परफॉर्म करेंगे, जबकि लैब में हम किसी भी सैंपल को कट करके लाते हैं और इजीली हम परफॉर्म कर सकते हैं। फील्ड में उन सभी इक्विपमेंट को ले जाके, सारे वर्कफोर्स को वहाँ पे ले जाके, उस क्रिटिकल और डिफिकल्ट टेरेन पे जाके इस तरह के टेस्ट परफॉर्म करने की आवश्यकता क्यों रहती है। तो उसके लिए सबसे पहला है लैब टेस्ट जो भी हम करते हैं, हमारा जो लेबोरेटरी टेस्ट होता है वो क्या होता है, या तो उसमें जो पैरामीटर हम इंजीनियरिंग वैल्यू, इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज को फाइंड आउट करते हैं, जैसे हमने टेंसाइल स्ट्रेंथ फाइंड आउट की या UCS में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फाइंड आउट की, तो इनकी जो वैल्यूज होती है या तो वो ओवर एस्टिमेटेड होती है, राइट, या फिर अंडर एस्टिमेटेड होती है। जनरली ओवर एस्टिमेटेड होती है, इसलिए हम लेबोरेटरी टेस्ट को लेस प्रिफर करते हैं, राइट। दूसरी कंडीशन होती है कि जो फील्ड में हमें जो उसकी एनवायरमेंटल कंडीशंस होती है, जो फील्ड की एनवायरमेंटल कंडीशंस होती है वो हमारे मोस्ट सूटेबल होती है जहाँ पे हम उस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं, और उसी एनवायरमेंटल कंडीशंस में हमें स्ट्रेसेस की वैल्यू एक्चुअली फाइंड आउट करनी होती है, राइट। तो जो फील्ड में हमारे स्ट्रेसेस होंगे वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगे, मतलब वो एक्चुअल वैल्यू के बहुत ज़्यादा नियर होंगे, राइट। तीसरी चीज़ होती है कि जो फील्ड टेस्ट परफॉर्म करते हैं उसमें हमें जिस डिसकंटिन्यूटीज के अलोंग शियर स्ट्रेंथ फाइंड आउट करना है, जो लोडिंग कंडीशंस हैं, जो एनवायरनमेंट कंडीशंस हैं, वो पहले से ही वहाँ पे सेटेड है, राइट। मतलब हमें जैसे इस रॉक मास के अंडर इस तरह से डिसकंटिन्यूटीज हैं, इस तरह से हमारे फ्रैक्चर जोन्स हैं, राइट, और यहाँ पे हमें एक टनल एक्सकेवेट करनी है, राइट। इस टनल को अगर हमें एक्सकेवेट करना है, राइट, इस तरह से हमने यहाँ टनल एक्सकेवेट की,
तो हमें पता है कि ये जो ब्लॉक है राइट, ये ब्लॉक इस जोन के अलावा शेयर में फेल कर सकता है, या फिर ये जो ब्लॉक है यहाँ पे इस तरह से होगा राइट। एक्सकेवेशन में अगर हम इसको इस फोर्स नॉर्मल फोर्स के अलोंग यहाँ पे स्लाइड करा के देख सकते हैं, तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि यहाँ पे इस जॉइंट में इसकी शियर प्रॉपर्टी कैसी है राइट। तो हम यहाँ पे अपनी पूरी असेंबली शियर की सेट करेंगे, यहाँ पे इसका नॉर्मल फोर्स लगेगा और इस डायरेक्शन में इसका शियर फोर्स लगेगा, तो करस्पॉन्डिंग नॉर्मल फोर्स हमें शियर स्ट्रेसेस की वैल्यू मिलेगी राइट। उन शियर स्ट्रेसेस के करस्पॉन्डिंग हम फाइंड आउट करेंगे कि इसकी जो शियर कर्व का कर्वेचर कैसा बनेगा, कुछ इस तरह से लोड डिफॉर्मेशन कर्व बनेगा। तो यहाँ पे हमें इस असेंबली की फिक्स शियर स्ट्रेंथ कितनी है वो पता चल जाएगी। अगर ये असेंबली यहाँ राइट, तो हमें पता चलेगा कि ये जो है इस तरह से इस असेंबली के अलावा नॉर्मल स्ट्रेसेस और शियर स्ट्रेसेस लगाने के कारण क्या होगा, यहाँ पे ये इस जोन के अलावा मोबालाइज हो जाएगा। मोबालाइज होने के बाद भी इसमें लोड की रेजिस्टेंस कैपेसिटी अभी कुछ है, तो उसके करस्पॉन्डिंग हम इस कर्व से देख सकते हैं कि इसमें मोबालाइज होने के बाद, स्लाइड होने के बाद कितनी रेजिड्यूअल शियर स्ट्रेंथ बची है राइट। इस तरह से हम फील्ड में इन सारे पैरामीटर को एक्चुअल साइट की कंडीशंस को कंसीडर करके फाइंड आउट कर सकते हैं राइट। इसलिए हमें इन सब टेस्ट को परफॉर्म करना पड़ता है राइट। तो मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ रॉक मास कैन नॉट बी डिटरमाइंड प्योरली फ्रॉम लेबोरेटरी टेस्ट राइट। लेबोरेटरी टेस्ट को हम परफॉर्म करके मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ रॉक्स को क्या है प्योरली मतलब परफेक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। लार्ज स्केल इंस्टीट्यूट टेस्ट आर नेसेसरी फॉर डिजाइन कंसिडरेशन ऑफ मेजर प्रोजेक्ट्स। किसी भी मेजर प्रोजेक्ट्स के डिजाइन के लिए हमें बहुत सारे इंस्टीट्यूट टेस्ट परफॉर्म करने की जरूरत होती है राइट, क्योंकि लेबोरेटरी टेस्ट जो होते हैं वो उन रिजल्ट्स का ओवर एस्टिमेटेड या फिर लेस प्रिडिक्टेड वैल्यू प्रोवाइड कराते हैं। द प्रिडिक्शन ऑफ इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द रॉक मास ऑलवेज इंस्टीट्यूट टेस्ट मतलब फॉर द प्रिडिक्शन ऑफ इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द रॉक मास ऑलवेज इंस्टीट्यूट टेस्ट इज यूजुअली व्हाट कंसिडर्ड। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हम फील्ड टेस्ट को परफॉर्म करते हैं राइट। फील्ड टेस्ट को परफॉर्म करते हैं सबसे पहले ही हमें फील्ड टेस्ट को परफॉर्म करते समय किन किन चीज़ों को हमें ध्यान रखना है राइट। फील्ड टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए द टेस्ट शुड अफेक्ट रॉक मास टू द एक्सटेंट दैट इट रिप्रेजेंट द बिहेवियर ऑफ अफेक्टेड रॉक मास और जोन मतलब हमारा जो फील्ड टेस्ट है वो इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव नहीं होना चाहिए कि हम रॉक मास की स्टडी तो कर ली पर जो हमारा एक्चुअल साइट पे जो परफॉर्म करना है फिर उसके बाद उसको उसे परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। मतलब हमें इस रॉक मास के अंदर यहाँ पे टनल या कोई भी कैवल्स एक्सकेवेट करना है, तो फील्ड टेस्ट में हम इस रॉक मास की डिफॉर्मेशन इतने ही करेंगे कि हम इस टेस्ट में इसकी स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर सकें। इतना नहीं कि ये पूरा का पूरा कैवल्स ही हमारा क्या है कोलैप्स कर जाए राइट। तो मतलब हमारे जो रॉक मास में का बिहेवियर है वो उतना ही अफेक्ट होना चाहिए जितना कि हम उस टेस्ट को परफॉर्म करके पैरामीटर्स को फाइंड आउट करना चाहते हैं राइट। ताकि हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है एक्चुअली हमें वहाँ पे कैवल्स एक्सकेवेट करनी है तो जो एक्सकेवेशन है वो हमारा डैमेज नहीं होना चाहिए राइट। द कॉस्ट शुड बी लो एक्चुअली। तो वैसे क्या है कि लेबोरेटरी टेस्ट से हमारी फील्ड टेस्ट की जो कॉस्ट आती है वो ज़्यादा आती है, पर हम कम कोशिश करेंगे कि इसकी जो कॉस्ट है वो कम से कम आए। फिर जो टेस्ट परफॉर्म करते हैं वो एक्चुअल स्ट्रेस कंडीशन में परफॉर्म करेंगे, मतलब जैसे हमें टनल एक्सकेवेट कहाँ करनी है इस जोन में करनी है राइट। यहाँ हमें टनल एक्सकेवेट करनी है तो जो हमारे टेस्ट की जो साइट होगी वो इसके आसपास ही रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि इस चट्टान में हम यहाँ पे कहीं लेबोरेटरी फील्ड टेस्ट परफॉर्म करेंगे और बोल देंगे कि यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है वही यहाँ पे स्ट्रेंथ रहेगी, तो फिर वो हमारा ज़्यादा रिलायबल स्ट्रेंथ पैरामीटर्स हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे राइट। तो हमारी जो एक्चुअल स्ट्रेस कंडीशंस हैं वो उस साइट के नियर बाय ही होनी चाहिए राइट। द लोड शुड बी अप्लाइड इन द डायरेक्शन रिप्रेजेंटिंग द एक्चुअल एंटीसिपेटेड डायरेक्शन मतलब जैसे हमें इस रॉक मास में इन दोनों जोन के अलोंग हमें स्लाइडिंग करानी है और शियर स्ट्रेसेस इस जोन के करस्पॉन्डिंग फाइंड आउट करने हैं इस एक्सकेवेशन में, तो हमारा जो लोड एप्लीकेशन होगा वो इसी के डायरेक्शन में होगा। मतलब इस जॉइंट के अलोंग शियर स्ट्रेंथ लगाना है तो हमारा स्लाइडिंग स्ट्रेसेस इसके अलोंग ही रहेंगे राइट, और नॉर्मल स्ट्रेसेस इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रहेगा। हम अपनी असेंबली इसी तरह से सेट करेंगे कि हमें
एक्चुअल जोन में जो शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर फाइंड आउट करने हैं, या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने हैं, या फिर स्लाइडिंग और डिफॉर्मेशन फाइंड आउट करने हैं, वो उस एंटिसिपेटेड डायरेक्शन में ही होने चाहिए, राइट? हम फिर टेस्ट से क्या क्या चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं, शियर टेस्ट परफॉर्म करते हैं, डिफॉर्मेबिलिटी टेस्ट परफॉर्म करते हैं, उसकी स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं, मतलब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी है, टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी है, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ कितनी है, सब चीज़ों को फाइंड आउट करते हैं। टेस्ट फॉर इंटरनल स्ट्रेसेस, मतलब इसका एक्सकेवेशन, इस रॉक मास का एक्सकेवेट करने के कारण इसमें क्या स्ट्रेसेस का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा, कहीं जगह पे स्ट्रेसेस का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, तो इन इंटरनल स्ट्रेसेस की वैल्यू को हम फाइंड आउट लेबोरेटरी की जगह फील्ड टेस्ट को परफॉर्म करके फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट? तो सबसे पहला है हमारा डायरेक्ट इंसिटू टेस्ट, इंसिटू डायरेक्ट शियर टेस्ट, राइट? द टेस्ट टू फाइंड आउट इंसिटू कोहेजन एंड फ्रिक्शन वैल्यू, राइट? ये मेथड किसने सजेस्ट किया है? आईएसआरएम कोड ने, राइट? इंसिटू टेस्ट परफॉर्म करते हैं किस तरह से, जैसे हमारा ये कोई रॉक मास है जो हमने यहाँ पे एक्सकेवेट किए, राइट? इस तरह से रॉक मास हमने यहाँ पे एक्सकेवेट करनी है इस पूरी असेंबली के अंदर से, राइट? तो यहाँ पे हमने क्या किया कि यहाँ पे जो टेस्ट ब्लॉक है इस तरह से शार्पन करते हैं, फिर इसके अंदर हम शियर बॉक्स को फिट करते हैं, फिर यहाँ पे हम हाइड्रोलिक जैक लगाते हैं ताकि इसके ऊपर हम नॉर्मल स्ट्रेसेस लगा सकें, यहाँ पे इस दीवार के थ्रू यहाँ पे एक और हाइड्रोलिक जैक पुट किया जाता है ताकि हम यहाँ पे क्या नॉर्मल स्ट्रेसेस प्रोवाइड करा सकें, राइट? तो यहाँ पे हम यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेसेस प्रोवाइड, शियर स्ट्रेस प्रोवाइड कराते हैं, और इस डायरेक्शन के अलावा हम यहाँ पे इस एलिमेंट पे क्या नॉर्मल स्ट्रेसेस प्रोवाइड कराते हैं, राइट? तो हमें फिर नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस के करस्पॉन्डिंग कर्वेचर मिलेगा, राइट? जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं नॉर्मल स्ट्रेस और यहाँ पे हमारे देंगे शियर स्ट्रेसेस, राइट? जैसे जैसे हम नॉर्मल स्ट्रेसेस की वैल्यू को क्या करते हैं, इंक्रीज करते जाते हैं, तो शियर स्ट्रेसेस की वैल्यू भी करस्पॉन्डिंग क्या होगी, इंक्रीज करती जाएगी, और पर्टिकुलर पॉइंट पे ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, शियर में स्लाइड या मोबिलाइज हो जाएगा, राइट? तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, धीरे धीरे घट जाएगी, राइट? तो घटने के बाद एक कॉन्स्टेंट कर्व मिलेगा, इसे हम कहते हैं रेजिडुअल कर्व, मतलब यहाँ पे इसकी कॉन्स्टेंट रिजर्व स्ट्रेंथ रहती है, रेजिडुअल स्ट्रेंथ रहती है, राइट? इसे हम कहते हैं रेजिडुअल स्ट्रेंथ, और जब ये रोटेट कर्व है उसको हम प्लॉट करते हैं, इसका जो स्लोप होता है वो हमें क्या देता है, इसकी शियर पैरामीटर को और फ्रिक्शन एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं, और इसका जो वाई पे इंटरसेप्ट होता है, वाई एक्सेस पे जो इंटरसेप्ट होता है वो हमें क्या, उसकी कोहेजन की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, या कोहेजन ये प्रोवाइड का पैरामीटर प्रोवाइड कराता है। इस तरह से हम शेयर स्ट्रेंथ के पैरामीटर को फाइंड आउट कर सकते हैं, इस तरह से हम रॉक मास के अंदर असेंबली को पुट करते हैं, यहाँ पे हमारा रॉक ब्लॉक होगा उसके अंदर हम फिर शेयर बॉक्स को फिट करेंगे, राइट? इस हाइड्रोलिक जैक से इसके ऊपर नॉर्मल स्ट्रेसेस लगाए जाएंगे, ओके? इस हाइड्रोलिक जैक से इसके ऊपर नॉर्मल स्ट्रेसेस लगाए जाएंगे, और यहाँ से हम शेयर स्ट्रेसेस लगाएंगे, राइट? और फिर इन डायल गेजेस के करस्पॉन्डिंग हम क्या करते हैं, इसके डिफॉर्मेशन और स्लाइडिंग को मेजर करते हैं, राइट? तो शेयर स्ट्रेसेस हमारे क्या हो जाएंगे, पी एस कॉस अल्फा अपॉन उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कौन सा होगा, यहाँ पे ए डैश, राइट? और नॉर्मल स्ट्रेसेस यहाँ पे हम लगा रहे हैं पी साइन अल्फा, यहाँ पे एंगल अल्फा हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी कॉस अल्फा, और यहाँ पे ये पी साइन अल्फा, राइट? यहाँ पे ये पी फोर्स लग रहा है, तो शियर स्ट्रेस कितना हो जाएगा, टॉ इज इक्वल टू पी कॉस अल्फा अपॉन ए डैश, यहाँ पे ए डैश, राइट? और नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू हो जाएगी पी साइन अल्फा डिवाइडेड बाई ए डैश। इस तरह से हम शियर स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेसेस का कर्व ड्रॉ करेंगे, और इस कर्व का जो टेंजेंट होता है, राइट, ये हमें फ्रिक्शन एंगल मिल जाएगा, और इस कर्व का जो हम एक्सटेंडेड इंटरसेप्ट लेते हैं वाई एक्सेस के अलॉन्ग, ये हमें कोहेजन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सीपी का मतलब होता है कि हमारा पीक कोहेजन है, राइट? और फाई हमारा हो जाएगा पीक फ्रिक्शन एंगल, पीक फ्रिक्शन एंगल, राइट? उसके साथ ही जब यहाँ पे फर्दर एक पॉइंट के बाद ये क्या होगा, शियर स्ट्रेंथ में फेल कर जाएगा, उसके बाद भी उसमें एक रेजिडुअल स्ट्रेंथ रहती है, राइट? इन रेजिडुअल स्ट्रेंथ को जब हम ड्रॉ करते हैं तो हमारा जो कर्व होता है वो ओरिजिन से पास होता है, मतलब उसकी जो कोहेजन था वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा,
और उसके स्लोप जो होगा वो हमें क्या देगा, रिजर्व्ड फ्रिक्शन एंगल देगा. क्या देगा? रिजर्व्ड फ्रिक्शन एंगल या फिर रेसिडुअल फ्रिक्शन एंगल. राइट, इस तरह से हम पीक शियर स्ट्रेंथ, रेसिडुअल शियर स्ट्रेंथ करस्पोंडिंग टू पर्टिकुलर नॉर्मल स्ट्रेसेस फाइंड आउट कर सकते हैं. राइट, और उसके साथ ही हम उसकी शियर पैरामीटर जैसे कोहेजन और फ्रिक्शन एंगल को भी फाइंड आउट कर लेंगे. राइट, हम शियर स्ट्रेंथ और डिफॉर्मेबिलिटी कर्व को ड्रॉ करेंगे तो किस तरह से बनेगा, जैसे हम डायल जैसे डिफॉर्मेशन और पर्टिकुलर शियर स्ट्रेस का कर्व ड्रॉ करेंगे तो यहाँ हमें पीक शियर स्ट्रेस मिलेगा और यहाँ पे हमें एक पर्टिकुलर नॉर्मल स्ट्रेस के करस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा, रेसिडुअल शियर स्ट्रेंथ मिलेगी. राइट, उसी के हिसाब से फिर जब नॉर्मल स्ट्रेस एन टू लेंगे तो हमें इन दोनों पैरामीटर को मिलेंगे, फिर हम इसे ड्रॉ करेंगे. राइट, एन वन एन टू एन टी टॉ वन टॉ टू टॉ थ्री में, तो इस तरह से हमें ये दो कर्व्स मिलते हैं. इससे हम सी एन फाइव की वैल्यू और यहाँ पे फाइव की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. राइट, इस तरह से हम डायरेक्ट शियर टेस्ट एट फील्ड परफॉर्म करेंगे और हम शियर पैरामीटर, रेसिडुअल स्ट्रेंथ और पीक स्ट्रेंथ इन शियर फाइंड आउट करेंगे. राइट गाइस, अगली क्लास में हम प्लेट लोड टेस्ट फॉर डिफॉर्मेबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे. ओके, थैंक यू सो मच. जय हिंद.